सब बुजुर्ग भाई बुजुर्ग और भाई लोग जो इधर उधर सब दूर बैठे हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अभी देना चाहूंगी, क्योंकि उन लोगों ने भी रास्ते भर रोक रोक के अपनी समस्याओं से मुझे अवगत कराया है और साथ साथ यहाँ आके हम लोगों की हौसला अफजाई की है, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करना चाहूंगा। मैं यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि नर्मदा का पानी आहोर में आया क्या? मैं ये पूछना चाह रही हूँ आप लोगों से, आपके आहोर क्षेत्र के अंदर नर्मदा का पानी पहुंचा? क्योंकि मुझे याद है कि 5-6 साल पहले गुजरात से बात करके 400 करोड़ रुपया देके हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से नर्मदा का पानी यहाँ तक लाया था और नर्मदा का पानी लाके ये तय कर लिया था कि पाइपलाइन डाल डाल के सब दूर नर्मदा का पानी हम लोग पहुंचाएंगे। मैं अभी गांव में से निकल के आ रही हूँ तो मैंने पता किया नर्मदा का पानी किसी भी गांव के अंदर इधर तो आया नहीं है, क्या आपके किसी भी गांव में आया है? मुझे बड़ी खुशी है ये जान के कि 4.5 साल निकल गए, 4.5 साल निकलने के बाद आज ये स्थिति है कि जो लोग अपने क्षेत्र के अंदर पानी नहीं पी पा रहे हैं, ऐसी स्थिति है कि बिजली नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी स्थिति है जहाँ टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, रोजगार भी नहीं है और जनता लगातार रास्ते भर मुझे मिल मिल के यही कहती आ रही है कि ये हमारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करने की आप कोशिश करिए। मैं जगह जगह पे उनको नोट करते आई हूँ तो सबसे पहले ये बाप जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं पता करना चाहूंगी हमारे रेवाड़ी समाज के सब यहाँ जो बैठे हुए हैं कि पशुपालकों के लिए हम लोगों ने आवासीय विद्यालय का निर्माण गांव हरियाली पंचायत समिति आहोर में किया था, आपको याद है? याद है आप लोगों को? और ये जो इतना बड़ा स्कूल बना उसके अंदर इतने सारे बच्चे पढ़ने के लिए आए, आज उस स्कूल की ये हालत है कि बच्चे स्कूल में जा नहीं पाते हैं, कोई पढ़ाने वाला नहीं है और वो स्कूल बंद होने के कगार के ऊपर आ गया है, क्या ये सही है? आप लोग सब जानते हो, हाँ सही है। इसी तरीके से आहोर से छीपरवाड़ा के बीच में नदी में सीसी रोड निर्माण और हिस्सा डामरीकरण करना था जो आप लोगों ने किया था, याद है आपको? याद है सबको? और इसी तरीके से सड़क बनाने का काम, पिलाने का पानी पिलाने का काम और आपको बिजली देने का काम हम लोग करके गए थे। आज मैं जहां से निकल के आ रही हूँ वहां मुझे बताया जा रहा है कि 3.5 घंटे से ज्यादा बिजली किसानों को नहीं मिल रही है। मिल रही है क्या किसी भी किसान को? मिली 3.5 घंटे से ज्यादा बिजली? इसी तरीके से पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है उन किसानों को। और माता बहनों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिन लोगों को हम लोगों ने घरेलू लाइन अलग से दी थी, आप लोगों को वो घरेलू लाइन 18 से 20 घंटे मिलना चाहिए था, मिल रहा क्या? किसी को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये 7-8 घंटे और वो भी बड़ी मुश्किल से आप लोगों को मिलते जा रहा है। यहाँ एक बांध की बात थी जिस बांध के बारे में आप लोगों से मैं पता करना चाहूंगी, यह है बांध आपका बाकली बांध। ये बाकली बांध के नहर का जीर्णोद्धार हम लोगों ने करने का काम चालू किया था और मैं जानती हूँ कि इसको इस बजट में सरकार ने रोक दिया। अब मालूम नहीं आप लोग कितने लोगों को उस नर्मदा पेयजल योजना और बाकली बांध के द्वारा बहुत सारा फायदा हो जाता, परंतु आज वो फायदा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये काम जो होना चाहिए था वो रुक गया है। और मैं आप लोग सबको आहोर में यही कहने आई हूँ कि ये काम जो आप लोगों के नहीं हो रहे हैं, ये 5 साल ऐसी सरकार आई जिसने हर चीज को रोकने का काम किया और आज आप लोगों को गर्त में डाल के ऐसे छोड़ दिया कि मैं समझती हूँ कि किसी को नहीं छोड़ना था। आपसे लगा हुआ इलाका गुजरात का है, गुजरात के अंदर आप लोग जाते हो आते हो और आपने वहां देख लिया है कि गुजरात के अंदर कितना जोरदार काम हुआ है, आपने देखा है मध्य प्रदेश के अंदर कितना जोरदार काम हुआ है, परंतु मैं ये कहना चाहती हूँ कि 53 साल के बाद आज अभी राजस्थान को जिस तरीके से गड्ढे में डाल के रखा है वो किसी भी प्रदेश के साथ नहीं होना चाहिए।
परंतु कांग्रेस चाहती है कि आप लोग सबको गरीब रखा जाए, क्योंकि आपके गरीबी के अंदर उनका बहुत बड़ा लाभ है। वो जीतते हैं आप लोगों को लड़ा लड़ा के, वो जीतते हैं आप लोगों को मजहब को लड़ा के। और आज मैं आप लोग सबको यही कहने आई हूँ कि अगर हम लोगों को आगे बढ़ाना है और अगर हम लोगों को राजस्थान को ऊपर ले जाना है, तो हम लोग सबको, चाहे वो हम किसी भी जात के हो, चाहे वो किसी भी मजहब के हो, हम लोगों को मिलके राजस्थान के लिए काम करना है, तभी ये चीज बदल सकती है। एक ऐसा राजस्थान हम लोगों को मिलके बनाना है जो नया राजस्थान कहलाया जाए, एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहे। आज आपकी इज्जत मिट्टी में मिलाई जा रही है, अत्याचार रोज रोज माताएं बहनों के साथ होती है। तो ऐसा राजस्थान जिसमें हमारी माताएं बहनें अपनी तरफ से सुरक्षित रहें, एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारे युवा, उनको नौकरी मिले, उनको रोजगार मिले। और मैं सबको कह रही हूँ कि आजकल एक टेट की परीक्षा है, इसकी टेट की परीक्षा के अंदर हमारे बच्चों को बांधने की लोगों ने कोशिश की है। मैं सबको कहना चाहती हूँ कि हम टेट का प्रबंधन करते हुए RPSC के द्वारा फिर से परीक्षाएं कराने का काम करेंगे, ताकि हमारे सब बच्चों को उसका फायदा मिल सके। और माता बहने, आप लोगों को मैं ये कह रही हूँ कि जो 18-20 घंटे बिजली आपको घरेलू मिलना चाहिए थी, वो सरकार अपनी आएगी तो 24 घंटे बिजली आप लोगों को घर पे आके मिलेगी, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इस तरीके से बिजली नहीं रहेगी। और जो पानी का कुप्रबंधन है, नहर नर्मदा की हम लोग आगे ले जाएंगे, ऐसा ही इस क्षेत्र का फायदा होगा। नर्मदा के पानी से जिन जिन गांव को हमें फायदा देना था, उन गांव को फायदे देने का हम लोग काम करेंगे, जहां रह गई वहां से उसको फिर शुरू करने का काम करेंगे। और मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि साफ पानी, बिजली और उसके साथ साथ रोजगार, ये काम हम लोगों को अपने इस क्षेत्र के अंदर करना है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग सब तैयार हो कि हम लोग मिले और एक नया राजस्थान मिलके बनाए? अगर आप लोग सब तैयार हो तो फिर ये तय कर लीजिए कि आने वाले समय के अंदर युवा, महिला, सब लोग एक साथ मिलके एक समृद्ध और खुशहाल राजस्थान बनाने की तैयारी करें। तैयारी है और हिम्मत है, क्योंकि आपको डराएंगे, आपके बीच में आएंगे, आपको पैसा बांटने की कोशिश करेंगे। ये सब पैसा आप ही का है, ले लो, नहीं तो इनका काला धन चला जाएगा। यहाँ भी भू माफिया काम कर रही है और वहां भी भू माफिया बाड़मेर में काम कर रही है। ये भू माफिया के हाथ में सरकार पूरी तरह से खेल रही है, और सब लोग मिलके जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इस भ्रष्टाचार को अगर हम लोगों को खाली करना है, तो ये नए राजस्थान के काम में हम सब जुट जाएंगे। तो ये सब काम को बंद करने का एक बार हम लोग पूरी तरह से प्रयत्न करेंगे, ये मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। और इसलिए सब लोग मिलके एक जोरदार नारा लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और एक राजस्थान के लिए जय जय राजस्थान, जोरदार जय जय राजस्थान। सब लोग मिलके, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, हम लोग मिलके साथ चलेंगे और साथ चलके राजस्थान को नया बनाएंगे। हाथों में लिए हाथ, चले एक दूजे के साथ, हाथों में लिए हाथ, चले एक दूजे के साथ, खड़े हूँ।